नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल AL क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम संज्ञा है, और संज्ञा टॉपिक आपने इससे पहले कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आप आज जब संज्ञा टॉपिक पढ़ चुके होंगे पूर्ण रूप से, तो आपको संज्ञा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा विद्यार्थियों, जो संज्ञा है, सबसे पहले संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको नाउन कहते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए इसकी जो परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या जाति तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जो भी कोई वस्तु है, जिसका कोई नाम है, जिसकी कोई पहचान है, तो वो क्या है, संज्ञा। देखिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं साथियों? तो विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें विकारकों के कारण कुछ चेंज हो जाता है, विकारकों के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी यानी कि अव्यय कहते हैं। ये विकारक शब्द कौन कौन से हैं जिसकी वजह से संज्ञा में परिवर्तन होता है? तो वो है साथियों, एक तो लिंग, एक वचन और एक कारक। अब ये अलग से टॉपिक भी है, इन टॉपिक के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लिंग, लिंग आपने सुना होगा, हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में तीन होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी होता है। और वचन की बात करें तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। आगे देखते हैं, ये जो संज्ञा शब्द है विद्यार्थियों, अगर इसके टुकड़े करते हैं तो सम, धन, जा, और इस सम का जो अर्थ लिया गया है वो सम्यक, सम का अर्थ, सम जो उपसर्ग है इसका अर्थ किससे लिया गया है विद्यार्थियों? सम्यक से लिया गया है, और सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है, संपूर्ण। और ज्ञा का मतलब लिया गया है ज्ञान से, और ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? बोध कहते हैं। तो जो सम्यक ज्ञान कराने वाला है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का एक पर्यायवाची शब्द होता है विद्यार्थियों, उसका नाम है नाम। मतलब संज्ञा जो शब्द है ना, ये लिखा हुआ ना संज्ञा शब्द, इसका एक पर्यायवाची है, वो क्या है? नाम। और जिसकी भी कोई नाम होता है, जैसे आपका नाम राम, श्याम, कमल, विमल, जो भी है, जैसे ये पेन है तो इसका नाम पेन है, तो ये भी एक संज्ञा है। तो नाम को हम कहते हैं पहचान। तो देखिए संसार में जितने भी व्यक्ति चाहे वस्तु, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और अगर उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, अब बात करें संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद विद्यार्थियों, कुछ विद्वान तो कहते हैं तीन होते हैं, और कुछ कहते हैं पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच। तो सर हम कौन से वाले माने? तो अगर आपको तीन मिल जाए तो तीन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और अगर पांच मिल जाए तो पांच कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी स्वतंत्र भेद मान लेते हैं। तो पांच तो ये हो जाते हैं, और तीन कहने वाले कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, भाव, ये तीन कहने वाले हैं। लेकिन आपसे प्रश्न आ जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, और चार विकल्प आपको इस प्रकार मिले, दो, तीन, एक और चार, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? तीन जाएगा, तीन होते हैं। इसी प्रकार जैसे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, चार विकल्प इस प्रकार मिले, चार, पांच, छह, सात, तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या जाएगा? पांच। लेकिन सर चार, तीन और पांच दोनों अगर एक साथ आ जाए तो फिर हम प्रथम वरीयता किसको देंगे? तो ऐसे एग्जांपल लिख देते, तीन, चार, पांच और छह। तो जब तीन भी विकल्प में हो और पांच भी विकल्प में हो तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? तीन को दे देना। किसको दे देना? तीन को दे देना। ये बात लिख रखी है यहां पर। देखो यदि विकल्प में दोनों मिल जाए, यानी कि देखो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तीन भी होते हैं और पांच भी होते हैं, यदि विकल्प में दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? आप तीन को दे देना। क्योंकि ये बात कहां पर लिखी हुई है? कक्षा 9 से 12 तक की जो पुस्तक आती है, राजस्थान बोर्ड में चलती है, उस पुस्तक की व्याकरण में लिखी हुई है, यानी कि एक ऑथेंटिक स्रोत हो गया कि ये तीन कहां पर लिखा हुआ है, तो उस पुस्तक में लिखा हुआ है। हालांकि उस पुस्तक में भी कई सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ले जाके आगे चैलेंज कर सकते हैं बोर्ड के समक्ष। देखिए संज्ञा के भेद तीन होते हैं और कुछ विद्वान पांच मानते हैं, तो हम पांचों भेदों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले किस प्रकार से पढ़ेंगे? पहले इसके बारे में हम सामान्य जानकारी लेंगे। सामान्य जानकारी में जैसे हम उसकी डेफिनेशन वगैरह, परिभाषा वगैरह देख लेंगे, और फिर उसके एग्जांपल उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और
इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, इसमें होती है एक वचन में प्रयुक्त होती है। देखिए एकमात्र संज्ञा जो बहुवचन में प्रयुक्त होती है उसका नाम है जातिवाचक। हालांकि जातिवाचक एक वचन में भी आती है बहुवचन में भी आती है, लेकिन बाकी अन्य संज्ञाए चाहे वो व्यक्तिवाचक हो चाहे वो भाववाचक हो द्रव्यवाचक हो समूहवाचक हो सभी की सभी एक वचन में आती है जातिवाचक के अलावा। आगे देखते हैं, अब इनके उदाहरण दे रखे हैं व्यक्तिवाचक। देखो ये तो थी इसकी परिभाषा, व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के विशेष का बोध नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो नाम होते हैं वो किस में जाते हैं विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक में जाते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, या कमला हो गया, इसी प्रकार विमला हो गया, चाहे पुरुष का नाम हो चाहे महिला का नाम हो, सभी जितने भी नाम होते हैं विशेष नाम हो जाते हैं वो किस में जाते हैं व्यक्तिवाचक में जाते हैं, तो व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे। जितने भी देशों के नाम है, देखो अगर शब्द पूछा जाए देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो विद्यार्थियों देश शब्द में तो जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पूछा जैसे हमारा देश का नाम क्या भारत, और हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम चाइना चीन, तो चीन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो चीन में व्यक्तिवाचक है, लेकिन देश में कौन सी है जातिवाचक है। तो इसी प्रकार देश में जैसे भारत का नाम लिख दे सबसे पहले, इसी प्रकार चीन का नाम आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, जितने भी देश हैं वो सभी देशों का जो विशेष नाम आ जाता है वो व्यक्तिवाचक में जाता है। और इसी प्रकार जो राज्यों के नाम होते हैं विद्यार्थियों वो भी किस में जाते हैं व्यक्तिवाचक में। राज्यों के नाम जैसे आप लिख सकते हैं राजस्थान लिख सकते हैं, गुजरात आप लिख सकते हैं, बहुत सारे राजस्थान में राज्य हैं, कितने राज्य हैं आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। हालांकि ये हिंदी का टॉपिक नहीं है कि कितने राज्य हैं, बाकी आप बता सकते हैं, आप जीके तो पढ़ते हैं कम से कम, जो व्यक्ति हिंदी पढ़ता है वो जीके भी पढ़ता है, तो अभी वर्तमान में राज्य कितने हैं आप मुझे बताइए कमेंट्स करके बताइए। और मुझे ये भी बताना 28वां नंबर का राज्य कौन सा है, 28वां नंबर का राज्य कौन सा बना था आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आगे देखते हैं, जितने भी जिलों के नाम है विद्यार्थियों वो सब भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। जिले कौन कौन से, जैसे जयपुर है, अजमेर है, नागौर है, ऐसे जितने भी जिले हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। देखिए इस जो जिला शब्द है ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है और युग्मक शब्दों में भी पूछा जाता है। देखिए जैसे एक तो जिला लिखते हैं इस टाइप से, और एक लिखते हैं जिला ये, और इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दिया जिसको हम अधो बिंदु या निम्न बिंदु भी कहते हैं। विद्यार्थी इस जिले का मतलब ज्यादातर हम जो जिला शब्द लिखते हैं ना वो ये वाला लिखते हैं जो कि गलत है। इस जिला का मतलब तो होता है चमक, क्या होता है विद्यार्थियों चमक। और ये जिला जैसे अजमेर है, नागौर है, बीकानेर है, उदयपुर है, उन जिलों के लिए जिला आता है। इसके नीचे जहां नुक्ता चिन्ह लग जाता है उसके नीचे बल लगाया जाता है उस वर्ण के नीचे, तो जिला है ना कि जिला। तो ये जब भी आप लिखते हैं अजमेर लिखो चाहे जयपुर लिखो बीकानेर लिखो जोधपुर लिखो तो उसमें ये वाला जिला लिखा करो नुक्ता चिन्ह लगा के, ठीक है। आगे देखो इसी प्रकार जितने भी कस्बों के नाम है चाहे केकड़ी ब्यावर ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं गंगापुर, ये सभी कस्बों के जो नाम है विद्यार्थियों ये भी व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। जितने भी मोहल्लों के नाम है चाहे शास्त्री नगर, प्रताप नगर, लोहा कान, जवाहर नगर, ये जितने भी मोहल्लों के नाम आते हैं वो भी व्यक्तिवाचक में जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों सभी मोहल्लों के नाम चल जाते हैं। नदियों के नाम देखिए, अगर शब्द आ जाए नदी तो जातिवाचक, नदी शब्द आ जाए तो किस में जाएगा जातिवाचक में जाएगा। लेकिन नदियों का विशेष नाम आ गया, जैसे गंगा नदी का नाम आ गया, यमुना नदी का नाम आ गया, या लूणी नदी का नाम आ गया विद्यार्थियों, तो ये सब व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं सारे। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण है, जितने भी पर्वतों के नाम है, जिस पर्वतों के नाम है हिमालय आ गया विद्यार्थियों, क्या आ गया हिमालय आ गया, तो हिमालय किस में जाएगा व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन पर्वत शब्द आ गया तो पर्वत का मतलब तो वही हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं, विंध्याचल सतपुड़ा किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर सतपुड़ा आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पर्वत आ गया
तो किसमें जाएगा? जातिवाचक में। जितने भी महासागरों के नाम है विद्यार्थियों, चाहे आप हिंद महासागर लिखें, आपसे पूछा जाए हिंद महासागर, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो हिंद महासागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन महासागर शब्द पूछा जाए तो महासागर शब्द में कौन सी है? जातिवाचक है। जितने भी मैदानों के नाम है वो सारे भी व्यक्तिवाचक में जाते हैं, जैसे पटेल मैदान है, रामलीला मैदान है, जितने भी फेमस जितने भी मैदान है उनके नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार देखो रामलीला मैदान लिख देता हूं, रामलीला मैदान। इसी प्रकार स्थानों के नाम, जितने भी स्थान है प्रसिद्ध स्थान है उनका व्यक्ति विशेष का अगर नाम आ जाता है स्थान का, तो वो भी किस में चला जाता है? व्यक्तिवाचक में चला जाता है। दिनों के नाम देखिए, जैसे आप लिखते हैं सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे जो दिनों के नाम होते हैं विद्यार्थियों, ये भी व्यक्तिवाचक में जाते हैं। और कौन कौन से जाते हैं व्यक्तिवाचक में? महीनों के नाम। देखो विद्यार्थियों, जो महीने होते हैं चाहे ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार हो, चाहे हिंदी माह के अनुसार हो, चाहे मुस्लिम माह के अनुसार हो, तो ये जितने भी है, जैसे अगर हम बात करें ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो जनवरी आ गया, कौन सा आ गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जितने भी महीने आ रहे हैं ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे अगर हम हिंदी माह के अनुसार करें तो चैत्र, जैसे चैत्र, वैशाख, ये वाले जो भी महीने हैं ये भी व्यक्तिवाचक में जाएंगे। और इसके अलावा जो मुसलमानों के जो माह होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के अनुसार, जैसे रमजान है, मुहर्रम है, ये सब महीने भी किस में जाएंगे विद्यार्थियों? महीनों के नाम में आते हैं और व्यक्तिवाचक के उदाहरणों में चले जाते हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम है, चाहे सोम, मंगल, बुध, ये जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, इनके सारे नाम किस में जाते हैं विद्यार्थियों? ये भी जाते हैं व्यक्तिवाचक में। इसके अलावा जितने भी त्योहारों के नाम होते हैं, जितने भी चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हो, सिखों के हो, मुसलमानों के हो, ईसाइयों के हो, किसी का भी त्यौहार हो विद्यार्थियों, तो त्यौहारों के जो नाम है वो भी किसमें जाता है? व्यक्तिवाचक में चला जाता है। देखिए त्योहार शब्द भी कई बार अशुद्ध लिखते हैं, त्योहार को, त्योहार शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी त्योहार इस प्रकार से लिखते हैं। और जो हमारी महिला बहनें हैं वो कैसे लिखती हैं ज्यादातर, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है जचा जचा के लिखना, वो ज्यादातर अशुद्धियां इस प्रकार से लिखती है। जचा तो दिया उन्होंने, लेकिन किस टाइप से लिखती है? ये पहली बात तो डबल मात्रा लगा दी, अवकी मात्रा लगा दी, और फिर ये बिंदी और लगा देती है, जो त्योहार शब्द लिखती है। बल्कि होता क्या है, त्योहार ऐसी बात नहीं, लड़के भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है जो मेरी सहपाठी जो लड़कियां रही है वो भी ऐसे लिखती थी, और साथ में जॉब करती लड़कियां वो भी ऐसे लिखती हैं, तो मैंने ऐसा देखा है। हालांकि मैं किसी महिला विशेष के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक मजाकी मूड में बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, समाचार पत्रों के जितने भी नाम है वो किस में जाते हैं? वो भी जाते हैं व्यक्तिवाचक में, चाहे आप द हिंदू की बात करते हो, दैनिक भास्कर की बात करते हो, राजस्थान पत्रिका की बात करते हो, जितने भी समाचार पत्रों के नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी दिशाओं के नाम है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, आग्नेय दिशा, नेतृत्व दिशा, ऐसे जितनी भी दिशाओं के नाम है वो सारे भी किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार जितनी भी सड़क और चौकों के जो नाम होते हैं, ग्रांड ट्रक रोड है, चांदनी चौक, ये सारे जो नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। देखते हैं विद्यार्थियों, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे त्राइन का युद्ध हो, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, विद्यार्थियों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो मैं आपको दो दिनांक बताता हूँ हल्दी घाटी के युद्ध की, 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576, कमेंट्स करके बताना कौन सी राइट है। आपको देखो मैंने दो डेट बता दी है, 18 जून, या आप ऐसे तो लिख सकते हैं जून 1576, लेकिन 18 और 21 इन दोनों में से कौन सी आपको याद है वो कमेंट्स करके बताइएगा। आगे देखो जितने भी प्रसिद्ध पुस्तक है या ग्रंथ है वो भी किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, ये सब किस में जाएंगे विद्यार्थियों? व्यक्तिवाचक में जाएंगे। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राणियों के जो नाम है वो भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे इंद्र का हाथी का नाम ऐरावत आ गया, या फिर चेतक आ गया, महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक, ये चेतक आ गया, तो ये भी होने को तो जातिवाचक में जाना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति विशेष में आता है, इसलिए प्रसिद्ध जो प्राणी है उसके कारण ये किस में चला गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके उदाहरण भी हमने काफी कर लिए हैं,
और अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना देता हूं आपके सामने। देखिए जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी, व्यक्ति, पूरा लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा विद्यार्थियों एक है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ये तीन संज्ञाएं हैं। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का उपभेद मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वास्तव में किसका उपभेद है जातिवाचक का, अरे एक होती है समूहवाचक, कौन सी, समूहवाचक। समूहवाचक को हम समुदायवाचक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं विद्यार्थी, इसी को समुदायवाचक भी मिल सकता है आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थियों ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये एक वचन में प्रयुक्त होती है, कौन से वचन प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा जो जातिवाचक संज्ञा है ये एक वचन में भी आती है और बहुवचन में भी आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, इसमें होती है एक वचन में प्रयुक्त होती है, और समूहवाचक भी एक वचन में प्रयुक्त होती है, और भाववाचक भी जो संज्ञा है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जहां भी आपको बहुवचन मिल जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होने की संभावना होती है, जातिवाचक संज्ञा होने की संभावना होती है। अब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, अब हम जातिवाचक पढ़ेंगे, और जातिवाचक के साथ ही हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। उसके अलावा बाद में पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा, और फिर भाववाचक संज्ञाओं की हमारे पास कमी है तो भाववाचक संज्ञाओं का हम निर्माण करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जातिवाचक से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे हम संज्ञाओं का परिवर्तन करना, यानी कि संज्ञाओं को चेंज कैसे किया जाता है, एक दूसरे में कैसे बदला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखो विद्यार्थियों, ये इसी प्रकार आपका व्यक्तिवाचक हो गया था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, अब जानेंगे हम जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह तथा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध कराती है, किसका, पूरी जाति का बोध कराती है। कई बार आपको इस बोध की जगह पर शब्द मिल सकता है ज्ञान, क्या मिल सकता है, ज्ञान होता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन में भी आती है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होती है, ये मैंने अभी आपको समझाई दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे जो भी व्यक्ति है, जैसे लड़का, लड़की, बालक, बच्चा, स्त्री, पुरुष, नारी, व्यक्ति, शिशु, मनुष्य, मानव, वृद्ध, इंसान, युवती, युवक, ये सब विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो मिले हैं ये किसके हैं, जातिवाचक के उदाहरण है। इसी प्रकार प्राणियों में देखते हैं तो गाय, बैल, बकरी, तोता, मोर, हाथी, घोड़ा, गधा, ये जितने भी है ये सब किस में जाते हैं विद्यार्थियों, जातिवाचक में जाते हैं। इसी प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं, टेबल, कुर्सी, किताब, कार, बंगला, अब मैं वस्तुओं के नाम कितने सारे नाम बताऊं आपको, बस एक आइडिया बैठ जाता है कि जितने भी वस्तुएं हैं होती हैं वो सारी किस में जाती हैं, जातिवाचक में जाती है। जैसे टेबल हो, कुर्सी, किताब, कार, बंगला, कागज, नाव, जहाज, दूध, पानी, सोना, लोहा, पत्थर, पत्थर दो बार आ गया विद्यार्थियों, लकड़ी, साबुन, फल, फूल वगैरह जितने भी है ये सारी वस्तुएं किस में जाती है, जातिवाचक में चली जाती है। जितने भी स्थान है, चाहे नदी, पहाड़, पर्वत, राज्य, गांव, देश, शहर, नगर, मैदान, नहर, मोहल्ला, सड़क, घर, चौराहा, ये सब किस में जाते हैं, जातिवाचक में जाते हैं। देखिए अगर शब्द आया गंगा, क्या आया, गंगा नदी जैसे आया, तो गंगा किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन आ गया गंगा नदी, ये नदी शब्द आया तो विद्यार्थी ये किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा, जाएगा जातिवाचक में जाएगा, देखिएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों,
इसी प्रकार जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं, जितने भी शारीरिक अंग होते हैं, वो भी जातिवाचक में जाते हैं, चाहे हाथ, पैर, नाक, गला, जो भी उंगली वगैरह जो भी है आपके शरीर के पार्ट है सारे, वो सारे किसमें जाते हैं? जातिवाचक के उदाहरण होते हैं। जितने भी पोस्टें होती हैं, जितने भी पद होते हैं, जितने भी व्यवसायों के नाम होते हैं विद्यार्थियों, वो सब भी जातिवाचक में जाते हैं, चाहे शिक्षक हो, बाबू हो, अध्यापक, वकील, लेखक, जितनी भी पोस्टें हैं वो सारे किसमें जाते हैं? जातिवाचक के उदाहरण है ये, कि सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण विद्यार्थियों। जितने भी रिलेशन होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, काका काकी, नाना नानी, जितने भी रिलेशन है वो सारे किसमें जाते हैं? जातिवाचक में जाते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये तूफान, वर्षा, बिजली, भूस्खलन, ये सब किसमें चले जाते हैं? जातिवाचक के उदाहरण होते हैं। तो आपको याद करना है, प्राकृतिक आपदाएं, संबंध, पद, चाहे वो मंत्री का पद हो, चाहे शिक्षक का पद हो, चाहे बाबू का पद हो, लिपिक का पद हो, ये सब किसमें जाते हैं? जातिवाचक के उदाहरण होते हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इनको विद्यार्थियों स्वतंत्र भेद मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वतंत्र भेद मानते हैं। और अभी हमने दोनों के ऊपर चर्चा करी थी और अभी बताया था आपको, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा, कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा है और एक समूहवाचक। समूहवाचक का एक और नाम मिलता है समुदायवाचक। तो अगर इनको स्वतंत्र भेद मानते हैं तो चौथा और पांचवे के रूप में तीन तो कौन सी होगी? पहली तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई जातिवाचक संज्ञा और तीसरी हो गई भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान इनको स्वतंत्र मान लेते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक को चौथा और पांचवा भेद मान लेते हैं, इसलिए हम पांच बता देते हैं। लेकिन वास्तव में तो ये जातिवाचक संज्ञा के भेद है। किसके हैं? लिखा हुआ जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद मानते हैं, वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे चर्चा करेंगे इस पे। अब एक एक को देख लेते हैं विद्यार्थियों। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखा है यहां पर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं किसको? द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कंप्लीट हो जाएगी फिर हम समूहवाचक या समुदायवाचक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु पदार्थ के माप तोल करने का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरणों पर चर्चा करेंगे तो जितने भी धातुओं के नाम है, चाहे लोहा, सोना, चांदी, अब विद्यार्थियों इस द्रव्यवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है, ये सारे के सारे उदाहरण किसमें जाते हैं? जातिवाचक में। तो सर अगर कभी कोई ऐसा विकल्प आ जाए तो भाई, जैसे पूछा जाए आपसे चांदी शब्द में, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चांदी शब्द में देखिए जातिवाचक भी हो सकती है और द्रव्यवाचक होती है। अगर आपको मिल जाए अकेला जातिवाचक तो जातिवाचक राइट, और अकेला द्रव्यवाचक मिले तो द्रव्यवाचक राइट। लेकिन सर चांदी शब्द में हमें जातिवाचक भी मिल जाए और द्रव्यवाचक भी मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना आप विद्यार्थियों किसको? द्रव्यवाचक को दे देना। यानी कि द्रव्यवाचक के जितने भी उदाहरण है उसमें द्रव्यवाचक तो होगा ही अगर विकल्प में है, तो नहीं तो ये सारे के सारे जातिवाचक में भी चले जाएंगे। और दोनों विकल्प में आ जाए तो द्रव्यवाचक को प्रथम वरीयता देंगे। इसी प्रकार आगे समूहवाचक में भी होगा। समूहवाचक के जितने भी उदाहरण होंगे, समूहवाचक के उदाहरणों में जातिवाचक संज्ञा भी होगी और दोनों विकल्प मिल जाते हैं तो समूहवाचक को प्रथम वरीयता देंगे। इसी प्रकार जितने भी पदार्थों के नाम है, चाहे गुड़, शक्कर, गेहूं, सरसों, जो भी है वो द्रव्यवाचक में जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे दूध, पानी, घी, तेल, खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध, दही, घी, पानी, तेल, पत्थर, ऊन, पेट्रोल, चावल, चाय, गेहूं, लकड़ी, सरसों, ये जितने भी जो शब्द आए हैं विद्यार्थी, देखो एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या विद्यार्थियों? शब्द है, कोई वाक्य नहीं है, कोई वाक्यांश नहीं है, सिर्फ शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं, आगे देखो विद्यार्थियों, अब बात करेंगे हम समूहवाचक की। किसकी? समूहवाचक या समुदायवाचक, जिसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये देखते हैं किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। समूहवाचक या समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दो प्रकार से इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसके कुछ उदाहरण है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, व्यक्तियों या जानवरों के समूह जैसे परिवार है, संघ है, आपसे पूछा जाए परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना जातिवाचक। जातिवाचक विकल्प में नहीं हो और समूहवाचक हो तो समूहवाचक राइट।
लेकिन आपको जातिवाचक और समूहवाचक दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना, समूहवाचक को दे देना। तो अब समूहवाचक के उदाहरण जैसे परिवार, संघ, कक्षा, सेना, दल, सभा, मंडली, गोष्ठी, गिरोह, वृंद, भीड़, सम्मेलन, पुलिस, टुकड़ी, जत्था, टोली, कुटुंब, झुंड। इसी प्रकार आप सेना भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ कहीं पर तो सेना। इसी प्रकार वस्तुओं का जैसे समूह होता है गुच्छा, कुंज, ढेर, श्रृंखला, कुंज, आगार और बेड़ा। ये सब विद्यार्थियों समूहवाचक के उदाहरण है। और समूहवाचक अगर विकल्प में नहीं है, जो चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं वह नहीं है, तो इन सबको किसमें मान लेना, आप जातिवाचक के अंतर्गत मान लेना। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों हम भाववाचक संज्ञा के ऊपर जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां तक आज जो हमने पढ़ा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया और जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी लिख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने अब तक हमारा जो वीडियो देखा वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।